गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माय डियर साइंस, आज एक जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरी वीडियो लगातार मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लगातार मेरे संपर्क में हैं, वो मेरे साथ देख रहे हैं और उनको कल की डेट का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, 28 2020, कल का महीना। अब जो मेरे साथ चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको सारी बात का पता है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि DHE की जो एडमिशन्स हैं वो प्योरली मेरिट बेसिस पे हो रही है। फर्स्ट लिस्ट आई, बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर हमारा हो गया, हमारा नहीं हुआ। सेकेंड लिस्ट आई, उसमें भी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए, बच्चों का हो गया, कहीं का नहीं होगा, कहीं ने कॉलेज शिफ्ट किए कि भाई मेरा देश समाज में हो गया, कई बच्चे चाहते थे कि हमारा MCM में हो जाए, तो उन्होंने अपनी सारा प्रोसेस लगभग पूरा कर लिया है। आज 27 तारीख है, अपनी वीडियोस के अंदर मैंने ये बात कही थी कि डी रिजर्वेशन होनी है और ये मैंने अपने आप से नहीं करी, आपको साइट पे भी जाकर मैंने उस दिन दिखा दी अपनी वीडियो के अंदर कि वो सारी बातें साइट के ऊपर DHE के लिखी हुई है कि अगर सीट वेकेंट रह जाती है तो डी रिजर्वेशन होगी, कॉलेजेस के पास सीट चली जाएगी। ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, कॉलेजेस के पास चली जाएगी या DHE खुद ही उसकी दोबारा काउंसलिंग करता है, थर्ड लिस्ट निकालता है या नहीं, वो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। शाम को भी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं अपनी कमेंट्स अगर मेरे YouTube के चैनल पे आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर देख सकते हैं मैं बच्चों को क्या एडवाइस कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं स्पेशली ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइम बच्चा भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारा एडमिशन हो जाए। और ऐसे जब होता है, जब डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम रहती है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो क्या रहता है, तो इस तरीके से कुछ लोग फेक निकल आते हैं। अभी जस्ट पता लग रहा है कि भाई SD कॉलेज का फेक चैनल, फेक पेज बना दिया, DV का फेक पेज बना दिया, उसमें कहीं अपने नंबर दे देंगे और बोलेंगे वेबसाइट जैसी लगेगी, आजकल तो कुछ नहीं है, डिज़ाइनिंग करनी होती है, इधर से ली उधर से कॉपी पेस्ट कर दी और आपको भी नहीं लगेगा कि ये कॉलेज की वेबसाइट है ओरिजिनल या नहीं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ DHE की वेबसाइट्स के साइट्स पे कॉलेजेस है, वहाँ पर जाके क्लिक करें तो तभी आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे सीधा पहुँच जाएंगे। अभी शाम को भी मेरे पास कॉल आई, 87 नंबर हैं लेकिन अभी एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो चिंतित हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया, मैं खुद जब मेरी एडमिशन BTI का कराना था तो मैं खुद चिंतित था। तो चिंता एक ज़रूरी है लेकिन आप इन चक्करों में कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कोई फेक आपसे वैसी ठगी कर ले कि भाई तेरा आपका एडमिशन मैं करा दूंगा जी, मुझे इतने पैसे दे दो। और मेरी तो अप्रोच चलती है, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर कैसे एडमिशन होगा, कल मुझे जाना पड़ेगा, ये भी कॉल्स आ रही हैं। बेटा जाना नहीं है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्रोसेस से ही होना है, मैंने दोनों साइट चेक करी है। मैं बिल्कुल आपके साथ कोई गलत बात शेयर नहीं करूंगा क्योंकि चैनल का मोटिव ये है कि जो सच्चाई है आप तक पहुंचानी है। मैंने DAV की भी चैनल चेक करी, साइट चेक करी, वहीं से जाकर DHE से लॉग इन करके वहाँ जाके मैंने चेक की, SD की भी करी, वहाँ पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर सीट बच जाती है तो एडमिशन्स का प्रोसेस रहेगा, लेकिन अभी उसमें कुछ नहीं है। तो मैं वैसे ही चेक कर रहा था कि चलो देख लेता हूँ, उसमें लिस्टें डली हुई है सेंट्रलाइज, और जब सेंट्रलाइज पे क्लिक करते हैं तो वो दोबारा आपको DHE की साइट पे ही ले जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई फेक चैनल होगा, फेक पेज होगा, तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर नहीं लेके जाएगा क्योंकि अभी भी सेंट्रलाइज कमेटी ही एडमिशंस कर रही है। तो अब वो कल क्या डिसीजन आता है कि सेंट्रलाइज कमेटी अपने हाथ में रखती है या कॉलेजेस को हैंडओवर करती है, तो वो वहाँ से लिंक हटेगा। अदरवाइज आप खुद ट्राई करके देख लेना, मैं खुद प्रैक्टिकली करके आया देख रहा हूँ, फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, रात के टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि बच्चे जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं गुमराह ना हो जाए, किसी ऐसे वैसे के लोगों के चक्कर में ना पड़ जाए और पैसे देकर एडमिशन के चक्कर में ना पड़ जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे एस्पिरेंट है कि चंडीगढ़ भी पहुँचना है किसी भी तरीके से, बट वो गलत तरीका होगा, आपके अननेसेसरी पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वेट करें, कल की वेट करें, 28 तारीख को क्या डिसीजन आता है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं इसीलिए अभी शाम को मैंने खुद चेक करा, आफ्टर आई गॉट ए कॉल फ्रॉम करनाल, तो उसके बाद मैंने खुद ये चीज़ें चेक करी है, खुद चेक करी मैंने बैठकर, और वो चेक करी जब उसकी सेंट्रलाइज कमेटी पे आप टिक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो आपको DHE की साइट पे लेके जाता है।
तो मतलब इसका मतलब जो साइट है उनकी एसडी कॉलेज की, वो अभी भी डीएचई से जुड़ी हुई है क्योंकि सेंट्रलाइज एडमिशन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है जो आप देख सकते हैं। अगर कोई फेक बना देता है तो आप वहाँ पर जाके देखते हैं भाई, सीटें डिस्प्ले कर देता है, बोलता है कि इतनी इतनी सीटें पड़ी है भाई। और आजकल कुछ सब कुछ पॉसिबल है, कंप्यूटर का युग है, सब कुछ है, नंबर्स दे देगा, सब कुछ ऊपर से बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें। अब जो बच्चे जिनके नंबर हैं उनका तो एडमिशन हो जाएगा, अब सीटें अगर बच जाती, क्योंकि कल पीयू की भी लिस्ट आ चुकी है, मैंने यही बताया कि वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, और गलत किसी हाथ में ना पड़ जाना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो ये छोटा सा एक मैसेज आपके साथ देकर देने के लिए मैंने ये वीडियो शेयर करी। दिस इज़ माइंडियो साइंस चैनल, आप समझ ही गए हैं, माइंडियो साइंस से मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।